राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंची। उन्होंने देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर और इसी परिसर में स्थित मां पार्वती के मंदिर में पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर के बाबा बैद्यनाथ एक हैं। इसकी प्रसिद्धि मनोकामना ज्योतिर्लिंग के रूप में है। द्रौपदी मुर्मू 4थी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद पूजा अर्चना कर चुके हैं। झारखंड में राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू पहले भी यहाँ कई बार पूजा अर्चना के लिए आती रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल जुलाई में इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। राष्ट्रपति ने जल, दूध, पंचामृत के साथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया और इसके बाद मंत्रोच्चार के बीच फूल, बेलपत्र, मदार, धतूरा अर्पित किया। पूजा के बाद राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की और लिखा कि उन्होंने पूजा कर सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना की। द्रौपदी मुर्मू ने बाबा बैद्यनाथ से देश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के उपरांत राष्ट्रपति का पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंदिर श्राइन बोर्ड की तरफ से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी जब भोले के दरबार में पहुंची तो पिंक कलर की साड़ी में दिखी। पूजा कराने वाले पुजारी भी पिंक धोती में दिखे। बता दें कि झारखंड के आदिवासी समाज में पिंक को शुभ रंग माना जाता है। पूजा पाठ के वक्त पिंक वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।